जयपुर में नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के आवास पर शनिवार को जिले के कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार के अलावा कांग्रेस जिलाध्यक्ष व खेतड़ी से विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया, मंडावा से पूर्व विधायक रीटा चौधरी व जिला परिषद सदस्य दिनेश हुंडा समेत अन्य आला कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा की गई, लेकिन बैठक में फतेहपुर विधायक हकम अली, उदयपुर पार्टी से कांग्रेस प्रत्याशी रहे पूर्व प्रधान भगवाना राम सैनी तथा झुंझुनू विधायक ब्रजेंद्र ओला नहीं थे। बैठक के बाद उन्होंने झुंझुनू अपडेट से बातचीत करते हुए डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि बैठक में चुनावी रणनीति तैयार की गई है। साथ ही तय किया गया कि कांग्रेस के सभी नेता एकजुटता के साथ 3 अप्रैल से चुनाव प्रचार में कूदेंगे। 3 अप्रैल को पहली सभा खेतड़ी में होगी, इसके बाद हर दिन लगातार दो दो विधानसभाओं में सभा होगी, जिसके जरिए नेता श्रवण कुमार के लिए वोट मांगेंगे। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 11 अप्रैल को पूर्व विधायक श्रवण कुमार अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें भी स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ साथ प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के चेहरे शामिल होंगे। इस मौके पर चिड़ावा पंचायत समिति के पूर्व प्रधान उमराव सिंह डांगी ओष्टू सहित अन्य मौजूद रहे। आइए आप सुनते हैं झुंझुनू अपडेट के साथ हुई डॉक्टर राजकुमार शर्मा की विशेष बातचीत। बताएं मीटिंग का क्या उद्देश्य था, कौन कौन मीटिंग में था, क्या प्लानिंग की गई चुनाव में? देखिए, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने, अविनाश पांडे साहब ने जो उम्मीदवार तय किए हैं, हमारे लोकप्रिय नेता 5 बार के विधायक स्वर्ण कुमार जी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया झुंझुनू में, तो आज हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, आदरणीय सरुण कुमार जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, और रीटा चौधरी जी, चंदेलिया साहब, दिनेश हुंडा जी, यश फारूकी जी, ताराजी प्रधान, सब लोग हम लोग एक जगह पे थे और सब लोगों ने यह तय किया कि हमें कांग्रेस को भारी मतों से जिताना है, लोकसभा के अंदर पहुंचाना है सरुण कुमार जी को। तो रणनीति जो बनाई गई कि चुनाव किस तरह से चुनाव में आगे बढ़ना है, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा का कुशासन है, भाजपा जिस प्रकार से जुमलेबाजी करके लोगों का ध्यान भ्रमित करना चाहती है, तो उसका जवाब किस तरह से दिया जाना है, तो वो सारी चीजें रणनीति हम लोगों ने तय की है। तो हम 3 तारीख से हर विधानसभा वाइज हम लोग कार्यकर्ताओं की मीटिंगें करेंगे, सारे लोग साथ में रहेंगे, ताकि सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद करें, और उसके बाद में 11 तारीख का नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन के अंदर जहां तक मैं समझ रहा हूँ प्रदेश की लीडरशिप सारी आएगी, उनके नेतृत्व में हम लोग इनका नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। कोई स्टार प्रचारकों की भी मांग की गई है? देखिए, मैंने कहा कि राजस्थान की टॉप लीडरशिप और सबसे बड़ी स्टार प्रचारक मेरी झुंझुनू की 36 कौम की जनता है। 36 कौम की जनता स्टार प्रचारक है, जिन्होंने डॉक्टर राजकुमार शर्मा जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमेशा आशीर्वाद दिया, विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी रिकॉर्ड वोटों से जिताकर भेजा, इसलिए हमारी स्टार प्रचारक झुंझुनू जिले की जनता है। तो सरवन कुमार जी की भी स्टार प्रचारक झुंझुनू जिले की जनता है। तो मैं जहां तक समझता हूँ कि सारे राजस्थान की लीडरशिप तो उसमें रहेगी रहेगी, बाकी आम कार्यकर्ता इस चुनाव को अपने शिद्दत से लड़ेगा, 36 कौमी चुनाव को लड़के और विधानसभा में लोकसभा में सरवन कुमार जी को पहुंचाएंगे। 3 विधानसभाओं के नेता इस मीटिंग में नहीं थे, क्या उनसे बातचीत हुई कोई? देखिए, आगे वाली चीज है, मेरी खुद की भी बात हुई है और आदरणीय भगवान राम सैनी जी से भी, और इनसे बातचीत सबसे हुई है, और ओला साहब के लिए तो कह चुके हैं सरुण कुमार जी की उनके तीसरे पुत्र हैं, तो बड़े भाई के रूप में विजेंद्र ओला जी को ये मानते हैं, तो तीसरे पुत्र हैं, तो वो ओला परिवार तो हमेशा कांग्रेस ही रहे, कांग्रेस में कभी कई पूरी उन्होंने पीढ़ियां उसमें बीत गई है, इसलिए कांग्रेस परिवार पूरा एकजुट है। तो ये चुनाव प्रचार 3 अप्रैल से आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा? हाँ, 3 अप्रैल से खेतड़ी से हम शुरुआत करेंगे, एक दिन में दो जो विधानसभाएं हैं उनमें कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा, इनका सबसे मिलना जुलना होगा, और ऐसे होते होते हर दिन में दो विधानसभाएं कवर करते हुए 4 दिन में इस काम को पूरा करेंगे। कई बार विधायक रहे हैं, जनप्रिय नेता है, 36 कौम के नेता है सरवन कुमार जी, इनको आदरणीय राहुल गांधी जी ने, अशोक गहलोत साहब ने, सचिन पायलट जी ने सर्वसम्मति से जनता से राय लेके, सभी नेताओं से राय लेके इनको कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है। आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे वरिष्ठ नेता सब लोग एकजुट होकर आज यहाँ पे आवास पे बैठे और आगे की रणनीति तय की। मैं इतना कह सकता हूँ कि शुरुआत, क्योंकि हरियाणा से सटा हुआ हमारा जिला है और हम शुरुआत अच्छे वोटों से जिता कर झुंझुनू से देंगे कांग्रेस पार्टी को, और सामने कोई भी चुनाव लड़े झुंझुनू जिला हमेशा से कांग्रेस विचारधारा का जिला रहा है, हमेशा से कांग्रेस के चाहे शीशराम ओला जी से लेके अयुब कैप्टन अयुब खान तक सब लोग हमारे कांग्रेस के हमेशा एमपी रहे। पहली बार बीजेपी का वहाँ खाता खुला है, जो खाता पिछली बार गलती से खुल गया, लोग झांसे में आ गए,
इस बार वो खाता वापस बंद कर देंगे और सरन कुमार जी को सभी एकजुटता से 36 कोम का उम्मीदवार के रूप में हम लोग जिताकर लोकसभा में पहुंचाएंगे, ताकि जो हमारा झुंझुनू जिला शिक्षा के नाम पर पूरे राजस्थान के अंदर टॉप पे है, सैनिकों के नाम पर सबसे टॉप पे है, उद्योगपतियों के नाम पर सबसे टॉप पे है, लेकिन विकास के नाम पर बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं जहां तक समझता हूं कि कड़ी से कड़ी जब जुड़ेगी राजस्थान के अंदर, तो हमारी कांग्रेस की सरकार बनाई थी जनता ने, और केंद्र के अंदर जब हमारा चले जाएंगे हमारा नुमाइंदा आदरणीय सरन कुमार जी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा झुंझुनू जिला भी विकास की ओर और ज्यादा गति से आगे बढ़ेगा। ये शुभकामनाएं हम लोग इन्होंने दी है, और हम एकजुट होकर, ये चुनाव अकेले सरन कुमार जी का नहीं है, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हम सब लोग एक हैं, चाहे विजेंद्र ओला जी हो, चाहे भगवान राम सैनी जी हो, हकीम का जी हो, और हम पांचों यहाँ पे बैठे ही हैं, और कार्यकर्ता ब्लॉक लेवल तक सब लोग कांग्रेस को जिताने के लिए जी जान से जुटेंगे, क्योंकि इस भाजपा के कुशासन से राजस्थान त्रस्त था और अब पूरा देश, क्योंकि झुंझुनू जिला मैंने कहा शिक्षित जिला है, यहाँ पे कितने भी जुमलेबाजी ये कर लें अब इनकी झांसे में नहीं आने वाले। अब इस धरती पुत्र को, क्योंकि बहुत सीधे सज्जन है और लोकप्रिय है लोगों में, और बहुत कम मार्जिन से इस बार विधायक बनने से चूक गए, मैं कह सकता हूँ कि जितने कम से ये विधायक बनने से रहे उससे पता नहीं कितने गुना ज्यादा वोटों से जीत कर इनको हम लोग संसद तक पहुँचाएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा सैनिक परिवार है झुंझुनू में, और जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश है पुलवामा हमले के बाद या जो अंतरिक्ष में अभी हुआ, सैनिक परिवार क्या लगता है, वो क्या सोचते हैं कांग्रेस को लेकर? देखिए, मैं कह रहा हूँ देश का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री ये वक्तव्य दे कि मैंने हाथ खोल दिए सैनिकों को, तो किस प्रधानमंत्री ने आज तक सैनिक के हाथ बांधे? झुंझुनू जिला मैं आज कह रहा हूँ हर दूसरे गांव में शहीदों की मूर्ति आपको मिल जाएंगी वहां पे। जब जब पाकिस्तान ने या चाइना ने हमारे देश की तरफ टेढ़ी नजर रखी है, हमेशा हमारे सैनिकों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसलिए ये लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाने का जो प्रयास कर रहे हैं, पहली बार हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में कि हमारे शहीदों की फोटो को इस्तेमाल किया गया मंच के ऊपर, इससे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं हो सकता। शहीदों ने हमेशा इस देश को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, और मैं कह सकता हूँ कि झुंझुनू जिला सैनिकों का गढ़ है, इसलिए वो ज्यादा इस बात को समझते हैं कि किसी भी सरकार ने आज तक सैनिकों की चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो देशों के, इन हमारे दुश्मन देशों के प्रति, कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसका फायदा नहीं उठाया वोटों के लिए, और वर्तमान में ये लोग वोटों का फायदा उठा रहे हैं, इसलिए झुंझुनू जिले से इनको बहुत ज्यादा निराशा मिलने वाली है।